अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे। तो मूली के पराठों के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो सबसे पहले उसके लिए तो चाहिए मूली। तो मूली के साथ हमें थोड़े मसाले चाहिए होंगे। ये हाफ टेबल स्पून नमक है, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा है, साबित ज़ीरा, 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च है, हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा है, हमने साबित ज़ीरा और पिसा हुआ ज़ीरा दोनों लिया है, ये हमने हाफ टेबल स्पून राई ली है और 1 टेबल स्पून हमारा अदरक लहसुन मिक्स पिसा हुआ है। ये हमारे टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चले हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें मूली को कद्दूकश करना है। तो चले हम अपनी मूली को कद्दूकश करते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने मूली अपनी कद्दूकश कर ली है, लेकिन हमने 4 मूलियाँ ली थी, तो हमने 2 मूली के पत्ते भी इसमें ऐड करना है। 2 मूली के पत्ते हम हटा देंगे। तो ये टोटल हमारी 4 मूलियाँ थी, और हम इसकी 2 मूली के पत्ते भी कट करके इसमें शामिल कर लेंगे। हमने एक पैन लेकर इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब हम इसके अंदर अपनी जो हमने राई और ज़ीरा लिया था साबित, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से थोड़ा लाल कर लेंगे। अब हम इसके अंदर जो हमने पत्तों वाली मूली ली थी, तो वो हम इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर। हम मूली को तेज़ आंच पे ही जल्दी जल्दी इसका पानी पुश करेंगे ताकि ये नरम हो जाए और पानी इसका खुश्क हो जाए। बाकी मसाले भी ऐड कर देंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि इसका चूल्हा हल्का नहीं करना है, बस तेज़ आंच पे इसका पानी खुश्क करते जाएंगे, मसाले भूनते जाएंगे। ये देखें, हमारी मूली की भुजिया का पानी खुश्क हो गया है, और बस हमें बस इतना ही इसको सॉफ्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना। देखें, आपको पानी नज़र नहीं आ रहा होगा, और मसाले भी इसके बिल्कुल नॉर्मल ही हैं, कोई ज़्यादा मसाले नहीं हैं। और बस इसको अब हम चूल्हे से हटाकर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हम अपने ये हम मूली के पराठों के लिए आटा गूंद रहे हैं। इसमें हमने सिर्फ नमक डाला है, ज़ीरा डाला है, और थोड़ी सी हमने अजवाइन डाली है। अगर आपको अजवाइन नहीं पसंद तो आप नहीं डालिएगा। अगर आपको ये आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि ये आधे घंटे बाद थोड़ा डो ठहर जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा अभी न अभी गूंदा है, तो थोड़ा ये ऐसा हो रहा है। अब हम उसको आपको आधे घंटे बाद दिखाएंगे। हमारे आटे को आधा घंटा हो गया है रेस्ट हुए हुए। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाना स्टार्ट करते हैं, और फिर हम स्टफिंग लगाएंगे। ये देखें, हम इनको बेल कर छोटा छोटा इस तरह का शेप दे देंगे। अब हम इसके अंदर स्टफिंग करेंगे। ये देखिए, हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। अब हम इसको इसके बेड के अंदर लगाते हैं। आप जितनी मर्जी चाहे इसको डाल सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं। ये हम इसको डाल के इस तरह इसके ऊपर फैला देंगे। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। और फैलाने के बाद हम इसके अंदर ये दूसरी जो हमने आटे की पराठा से स्टार्ट तैयार किया था, वो उसके ऊपर डाल देंगे, और उसको चारों तरफ से दबा दबा के बंद कर लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों मिला के जो बेड़ा सा बना दिया था, अब हमने इसको बेल लिया है, पराठे की शक्ल दे दी है इसको। अब हम इसको तवे पे डाल के फ्राई करते हैं। हमारा तवा गर्म हो गया, अब हम इसको पराठा डाल देंगे और इसको सेक लेंगे अच्छे से ऑयल डाल के। जब एक तरफ से पराठा सिक जाएगा, तो हम इसको पलट के दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। जब दोनों तरफ से सिक जाएगा, तो फिर हम इसको थोड़ा ऑयल डाल के, आप चाहे तो फ्राई कर ऑयल डालेंगे, लेकिन पहले ये अच्छे से सिक जाए।
ये देखिए अब हमारा पराठा अच्छे से सिक गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऑयल शामिल करेंगे और इसको फिर फ्राई कर लेंगे। खूब अच्छे से दबा दबा के पराठा हम अपना सेक लेंगे। खूब दबा दबा के सेक लेंगे। अगर आपको ऑयल कम लगता है तो आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं, इसको सेकते जाएं। ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े। हमारे तरफ से सीख गया पराठा अच्छे से। और सेम मूली के पराठे विद सॉस तैयार है। आप सोच रहे होंगे कि ये दूसरी वाला चीज़ क्या है, ये है रशियन सैलेड। इसको मैंने पहले से ही रेडी कर लिया था, किसी दिन हम आपको इसकी भी रेसिपी देंगे। ये देखें, ये हमारा मज़ेदार सा सॉस, हमने सिर्फ हॉट सॉस ऐड किया है, क्रीम है और मायोनीज है। और ये हमारे मज़ेदार से पराठे घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत सिंपल है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।